देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तवर। दिल्ली की फ्री बिजली को लेकर पिछले कई दिन से घमासान मचा हुआ था, एक तरफ दिल्ली सरकार और दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल। सरकार आरोप लगा रही थी उपराज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी पर कि दिल्ली के लोगों को जो सब्सिडी मिलती है बिजली पर, उसे रोकने की साजिश हो रही है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर जमकर बवाल हुआ। एक तरफ आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की ओर से बार बार आरोप लगाए गए उपराज्यपाल पर कि मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। 5 मिनट का समय मांगा लेकिन समय नहीं दिया। खत भी लिखा, ट्वीट भी किया, बार बार उपराज्यपाल के दफ्तर से समय मांगा लेकिन समय नहीं दिया गया। दूसरी तरफ उपराज्यपाल की ओर से भी पलटवार हुआ है और इस बार उपराज्यपाल की ओर से जो पलटवार हुआ है उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि उपराज्यपाल आतिशी के बयानों के बाद भड़क गए हैं और भड़के सिर्फ आतिशी पर नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लगातार कई तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं, आरोप गड़बड़ियों के लग रहे हैं और बिजली सब्सिडी के मामले में भी आरोप कुछ इसी तरीके के लग रहे हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से पिछले साल अक्टूबर में अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि बिजली सब्सिडी मामले में इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए और ये पता लगाइए कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। साथ ही उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा था कि DRC ने जब आपको सिफारिश की है कि जो सब्सिडी है वो आप सीधा कंज्यूमर को दें, तो आपने इस सिफारिश को क्यों नहीं माना। ये मामला तब से लेकर चल रहा था और ये बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पर पहुंच गया कि अब सीधे तौर पर उपराज्यपाल पर आरोप ये लगा दिया आतिशी ने कि सब्सिडी को रोका जा रहा है और दिल्ली में जो लोगों को सब्सिडी मिल रही है वो सब्सिडी ही बंद हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि 14 अप्रैल की शाम को ही उपराज्यपाल के दफ्तर से ये जानकारी सामने आई कि जो फाइल भेजी गई थी ऊर्जा मंत्रालय की ओर से अप्रूवल के लिए, वो उपराज्यपाल की ओर से साइन करके वापस भेज दी गई है। यानी कि जो दिल्ली में लोगों को बिजली पर सब्सिडी मिल रही है वो जारी रहेगी, वो नहीं रुकेगी। लेकिन अब वो बयान आपको बताते हैं जो उपराज्यपाल के दफ्तर से सामने आया है आतिशी को लेकर, जिसमें उपराज्यपाल की तीखी नाराजगी दिखाई दी। तो आतिशी के आरोप पर उपराज्यपाल भड़क गए हैं और जो जानकारी सामने आई है वो कुछ इस तरीके से है। ऊर्जा मंत्री को झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री को, दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा गया, जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी। LG को 11 अप्रैल को ही फाइल क्यों भेजी गई थी? 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी की क्या जरूरत है? तो उपराज्यपाल के दफ्तर से जो बयान सामने आया उसमें सीधे तौर पर दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए। ये पूछा गया कि 4 अप्रैल को ही कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी क्यों दी थी, 11 अप्रैल को ही LG को ये फाइल क्यों भेजी गई और 13 अप्रैल को आपने खत लिखा और फिर अगले ही दिन यानी कि 14 अप्रैल शुक्रवार के दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपराज्यपाल पर ये आरोप लगाए, ये सब कुछ नौटंकी करार दिया है। अपने बीते दिनों आतिशी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, जो उनकी तरफ से लेटर भेजे गए हैं वो भी देखे होंगे, लेकिन अब उपराज्यपाल के दफ्तर से जो बयान सामने आया है उसमें सीधे तौर पर उपराज्यपाल की नाराजगी देखी जा सकती है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।